Hello students, in the last lecture we were discussing about enthalpy and we started discussion about types of enthalpy on the basis of different type of physical process taking place in our surrounding. तो last lecture में हमने पढ़ा था हमारे surrounding में जितने भी processes होते हैं इनको हम दो categories में divide करते हैं. First category is physical process and second category is chemical process. फिजिकल प्रोसेस जो है उनके बेसिस पे टाइप्स ऑफ एंथैल्पी जो है उसको हम कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग. मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या है? फ्यूजन है. तो अगर किसी प्रोसेस के अंदर तुम्हें मेल्टिंग दिखाई दे रही है तो वहाँ पर जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. इसको रिप्रेजेंट कैसे किया था हमने? डेल्टा एच एफ. और अगर ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी है तो इसके ऊपर नॉट और लगा देते हैं. तो नॉट कब लगाना है? जब स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात. नेक्स्ट क्या था? अगर कहीं पर वेपराइजेशन हो रहा है तो वहां पर जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोला जाएगा? दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच वी ए पी. वी ए पी का मतलब वेपराइजेशन. फिर आती है थर्ड टाइप होती है एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन. अगर किसी प्रोसेस में सबलिमेशन देखने को मिल रहा है, कोई सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन, दैट इज डेल्टा एच सबलिमेशन. सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रोसेस इन विच दे आर फाउंड. आज हम पढ़ने वाले हैं types of enthalpies on the basis of chemical reaction. ठीक है, type of enthalpy on the basis of chemical reaction. और chemical reaction कहाँ पढ़ी जाती है? chemical process में. तो आज का हमारा topic है types of enthalpy on the basis of different types of chemical reaction या फिर types of enthalpy on the basis of chemical process कह लो या फिर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन कह लो. तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रोसेस और द केमिकल रिएक्शन? सबसे पहले आ जाती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन. तो बच्चों हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं जिसके अंदर हम किसी चीज को जला रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर कंबशन रिएक्शन. तो ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन रिएक्शन इस एंथैल्पी को क्या नाम दिया गया? एंथैल्पी ऑफ कंबशन. और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच सी से. सी का मतलब है यहाँ पर कंबशन है. तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन में हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड. कोई भी सब्सटेंस जब उसका एक मोल जलाया जाता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. एग्जांपल, हम कोयला जला रहे हैं, दिस इज कोल. तो कोयला जलाते हैं तो रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है? सी प्लस ओ टू गिव्स अस सी ओ टू. तो कोयला कितना लेना है? एक मोल लेना है. इस कोयले का एक मोल जब जलाओगे तब जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जब जो हीट रिलीज होगी, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच सी, मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन. इसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन. एक और एग्जांपल लेते हैं, सी एच फोर मीथेन, जिसको हम गाड़ियों के अंदर सीएनजी की तरह भी यूज करते हैं. सीएनजी का एक मोल हमें जलाना है, तो इस एक मोल को जब जलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2 plus 2H2O गैस. ये तो बनेगा लिक्विड, ये बनेगी गैस.
तो इस रिएक्शन में CH4 कितना लेना है, 1 मोल। अब अगर किसी बच्चे को 1 मोल समझने में दिक्कत हो रही तो आप इसको जो है वो ग्राम में कन्वर्ट कर लो। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन, एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल कोयला किसने के बराबर होगा, एक्स गिवन वेट डिवाइडेड बाय कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 12। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 ग्राम। 12 ग्राम कोयला जब जलाओगे तब जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अगर मीथेन का वजन निकाले तो, मीथेन का अगर वजन निकालोगे तो इसी तरीके से मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालो, 12 + 4 = 16। तो 12 ग्राम कार्बन, 4 एटम हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 4 × 1 दैट इज 4, 12 + 4 = 16, तो डिवाइड बाय 16, तो एक्स कितना आ गया 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन जब जलाओगे तब जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इसको बोलते हैं बच्चों अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न, तब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच सी से। एंथैल्पी ऑफ कंबशन से मिलता जुलता एक टर्म तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू निकाली जाती है फ्यूल की या किसी भी सब्सटेंस की। क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू, क्या डेफिनेशन देते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू में, तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन से मिलती जुलती ही डेफिनेशन होती है। कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर हम ये कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड या अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न। तो यहां पर डिफरेंस जो है वो किस चीज का है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। 1 ग्राम सब्सटेंस जलाते हो तब जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, लेकिन 1 मोल सब्सटेंस जब हम जलाते हैं तब जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो ये डिफरेंस रहता है। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख के यहाँ पर बता देता हूँ आपको, इसके अंदर आप देख लीजिए कैलोरीफिक जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो कितनी दे रखी है अलग अलग फ्यूल की, अलग अलग सब्सटेंसेस की। तो बुक्स के अंदर आपको ये वैल्यूज जो है वो मिल जाती हैं। सबसे फर्स्ट वैल्यू दे रखी है जब हम मीथेन को जलाते हैं, CH4 + 2O2 gives us CO2 + 2H2O, और ये रिलीज करता है एनर्जी 890.4 kJ/mol। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस की इसने कब, जब इसका 1 मोल लिया गया था, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 मोल। तो 1 मोल जब हम लेते हैं तब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो ध्यान रखना बच्चों यूनिट ऑफ डेल्टा एच सी क्या रहने वाला है, किलो जूल पर मोल। पर मोल किस लिए, 1 मोल सब्सटेंस जलाया था। किलो जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई जब हमने 1 मोल सब्सटेंस को जलाया, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस, और जब भी किसी चीज को जलाते हैं तब जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। चलिए अब चलते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप दे रखी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, दी ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, दी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन, कब, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलके जब 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का बनता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच एफ से, और इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, किलो जूल पर मोल। तो ये हो जाती है डेफिनेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, ठीक है, यहां पर और एब्जॉर्ब, रिलीज भी हो सकती है एब्जॉर्ब भी हो सकती है, कब, जब एक मोल किसी भी सब्सटेंस का बनता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। एग्जाम्पल सी प्लस ओ टू गिवस अस सी ओ टू, तो देखो कार्बन इधर एक इधर भी एक, ऑक्सीजन इधर दो इधर भी दो, ये क्या है एक मोल, कुछ नहीं लिखा इसका मतलब एक मोल। तो ये जब बना तब जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू। तो यहां पर एनर्जी देखने को मिलती है 393.5 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बच्चों इस केस में दो चीजें आ गई, अगर मैं पिछली डेफिनेशन देखता हूं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड, तो भी यही रिएक्शन लिखी जाती है, और जब मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करता हूं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, तो देखो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है जो CO2 बनाते हैं, तो इनके कंबाइन करने से CO2 कितना बना, एक मोल, एक मोल CO2 जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यही वैल्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मिलेगी, और यही वैल्यू हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन की मिलेगी जब हम कार्बन को जलाते हैं तब। सो दिस इज द सेम वैल्यू, इट कैन बी यूज्ड फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑल्सो एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 ऑल्सो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, यूनिट इसकी भी किलो जूल पर मोल रहने वाली है। अगर आप स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हो तो इसका सिंबल चेंज हो जाता है, स्टैंडर्ड स्टेट में यहां पर क्या लगाना पड़ता है, नॉट, तो ये ध्यान रखना। सो ये एग्जांपल हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। और एग्जांपल ले लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, S plus O2 gives us SO2, ठीक है, इसी तरीके से C plus half O2 gives us CO2। तो अलग अलग सब्सटेंसेस हम बना रहे हैं, कितना सब्सटेंस बना रहे हैं, एक मोल बना रहे हैं। इस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। चलिए तो ये हो जाती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात। अगर मान लो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं, जैसे कि ये रिएक्शन देखो, ये एग्जांपल देखो CaO प्लस CO2, इससे बन रहा है CaCO3, ठीक है। तो CaCO3 कितना बना, कुछ नहीं लिखा इसका मतलब एक मोल, एक मोल बना, लेकिन किससे बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 से, ये एलिमेंट नहीं है, ये है कंपाउंड, दीज आर नॉट एलिमेंट्स। एलिमेंट किसको बोला जाता है, एलिमेंट उसको बोला जाता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट हो, यहाँ एक ही टाइप का एटम है, यहाँ एक ही टाइप का एटम है, तो इनको हम एलिमेंट कहते हैं। तो अगर तुम्हें रिएक्शन के अंदर एलिमेंट दे रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें रिएक्शन में कंपाउंड दे दिया तो क्या करोगे, तो अगर कंपाउंड दे रखा है तो हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच एफ, इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा एच नॉट एफ, सॉरी डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरीके से आपको इस रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम देखें
तो ये वैल्यू दे रखी है -178.3। तो ये वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये डिफरेंस है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का। तो ये हो जाती है बच्चों हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी है? नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आ जाती है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। दिस इज द थर्ड टाइप। न्यूट्रलाइजेशन किसका करवाया जाता है? न्यूट्रलाइजेशन तो तुमने पढ़ा होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं एसिड्स और बेसिस को मिक्स करके। तो जब भी हम किसी एसिड के अंदर कोई बेस डालते हैं उस टाइम पर हम न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन करवाते टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when one gram equivalent of an acid is completely neutralized by one ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एग्जाम्पल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हम 10th क्लास से जो है वो एक एग्जाम्पल स्टडी करते आ रहे हैं। NaOH प्लस HCl, ये बेस है ये एसिड है, दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं? NaCl प्लस वाटर। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज। जब ये न्यूट्रलाइज करते हैं तब जो हीट रिलीज होती है उसको क्या बोला जाएगा? दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। डेल्टा एच न्यूट इस तरीके से लिखा जाता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को। तो इसका ये मतलब हुआ कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब एक ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज करता है एसिड किसी एक ग्राम इक्विवेलेंट बेस। यहां पर बच्चों एक पॉइंट जो है वो नोट कर लेना, ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब एक ग्राम इक्विवेलेंट एसिड जो है उसको एक ग्राम इक्विवेलेंट बेस न्यूट्रलाइज करेगा। ये जब ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं तब एक्चुअल में हम करते क्या हैं? उस टाइम पर एक्चुअल में हम ये बता रहे हैं कि एक एच पॉजिटिव और एक ओ एच नेगेटिव जब कंबाइन करेंगे और जब वाटर बनाएंगे तब जो एनर्जी रिलीज होगी। तो एक ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और एक ग्राम इक्विवेलेंट बेस लेने का मतलब क्या है? एक एच पॉजिटिव और एक ओ एच नेगेटिव जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तब जो एनर्जी चेंज होता है वो कैलकुलेट करना हमारा पर्पस है। तो इस पर्पस की वजह से यहां पर बोला गया वन ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, जब ताकत की बात हो रही है तो बराबरी की ताकत की बात हो, ये नहीं कि एक तो ज्यादा ताकतवर आदमी है और दूसरा कम ताकतवर है और उन दोनों का कंपैरिजन करवा रहे हैं। नहीं, पहले दोनों को बराबर करो, बराबर करने के बाद फिर उनको न्यूट्रलाइजेशन स्टडी करवाओ, तब जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ध्यान रखना इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है। क्यों? क्योंकि एसिड्स जो हैं उनके फॉर्मूले पर डिपेंड करता है कि वो कितने एच प्लस और कितने ओ एच माइनस आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो फॉर्मूला फिक्स रहता है एसिड का, इसी वजह से एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो भी फिक्स है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप आ जाती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब? तो बच्चों देखो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है
एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड टू फॉर्म सॉल्यूशन। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल जब आप डिजॉल्व करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उस टाइम पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच सोल, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस को जब आप डिजॉल्व करते हो सॉल्यूशन बनाने के लिए, तब कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, KCl सॉल्ट है, इसको पानी के अंदर डालते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, पानी के अंदर डिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा, KCl एक्वस, और साथ में रिलीज करता है 18.7 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज करता है KCl को जब हम डिजॉल्व करते हैं पानी के अंदर तब। तो ये क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बनाते टाइम कितनी एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। पर मोल किस लिए लगा, क्योंकि एक मोल सब्सटेंस हमने डिजॉल्व किया है, इस वजह से यहां पर मोल जो है वो लगाया गया। तो ये हो जाती है बच्चों एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर बस यही है, जो भी सब्सटेंस आप डिजॉल्व कर रहे हो, डिजॉल्व होने के बाद में वो पानी के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज करता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। क्या होती है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन? आयोनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो देखो कोई भी आयनिक सब्सटेंस है, ये जब आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है उस टाइम पर जो एनर्जी चेंज हमें देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। किसी भी आयनिक सब्सटेंस को मुझे क्या करना है, डिसोसिएट करना है आयंस की फॉर्म में, तो उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसोसिएटेड इनटू आयंस। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल जब डिसोसिएट होता है आयंस बनाता है, उस टाइम पर जो एनर्जी चेंज हमें देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन की अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल लेते हैं हम HCl। HCl जो है ये डिसोसिएट होता है H प्लस और Cl माइनस में, और ऐसा करते टाइम एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है 75.2 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी रिलीज है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये कब रिलीज हो रही है, जब HCl जो है वो आयंस में डिसोसिएट हो गया तब, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ HCl, कुछ नहीं लिखा इसका मतलब एक मोल HCl जब टूटा आयंस में, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, देन दैट एंथैल्पी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की एंथैल्पी पे। नेक्स्ट टाइप की एंथैल्पी है, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है ये? तो देखो, एटोमाइजेशन एटोमाइजेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एटम्स। तो कंपाउंड जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एटम्स में ब्रेक कर देते हैं, कंपाउंड को डिसोसिएट कर रहे हैं, एटम्स बना रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, तो जब भी कोई कंपाउंड जो है उसको आप ब्रेक करते हो और उसको एटम्स की फॉर्म में तोड़ देते हो, तब जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसोसिएटेड इंटू कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। तो किसी भी सब्सटेंस का एक मोल जब उसको आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ब्रेक कर देते हो, उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस थी, इसको हमने हीट किया या इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के बाद ये दो नेसेंट हाइड्रोजन में ब्रेक हो गया, मतलब दो अलग अलग एटम्स बन गए, और ऐसा करते टाइम इतनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ी, तो सप्लाई करनी पड़ी तो यहाँ पर क्या साइन आएगा, माइनस, या फिर इसको आप किधर लिखोगे, इधर। तो इतनी एनर्जी हमें क्या करनी पड़ती है, रिक्वायर्ड होती है, तो इसको आप इधर लिखेंगे 430.5 किलो जूल पर मोल। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच ए से, ए का मतलब एटोमाइजेशन। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसोसिएटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। तो यहां पर अगर आप डेल्टा एच ए लिखते हो तो ये पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, 430.5 किलो जूल प्लस मोल पर मोल। प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो आपको समझाई थी एक बात कि भाई रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है क्योंकि हम किसी चीज़ को तोड़ने जा रहे हैं, तोड़ने जाएंगे तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वर्ड जो है ये एक प्रोसेस को बोला जाता है, द प्रोसेस व्हेन अ सब्सटेंस इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसको बोला जाता है हाइड्रेशन। तो किसी चीज को जब हम पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो उसको चारों तरफ से क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं, तो ये प्रोसेस जो है इसको बोला जाएगा हाइड्रेशन। और ये जो स्फेरिकल शेप बन गई, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन स्फेयर। तो जब आप किसी चीज को पानी में डिजोल्व करते हो तो वो हाइड्रेट हो जाता है, और हाइड्रेट होते टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली हाइड्रेटेड। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल जो है वो जब कम्प्लीटली हाइड्रेट हो जाता है तो उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एग्जाम्पल लिख लो इसका, एग्जाम्पल आ जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है वो वाइट कलर का सॉल्ट होता है, लेकिन जब इसको पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं
तो पांच वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, CuSO4.5H2O, और साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है 78.5 किलो जूल पर मोल। तो ये एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी को क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और इसका सिंबल होता है डेल्टा एच एच वाई डी, एच वाई डी दैट इज हाइड्रेशन। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एक मोल कॉपर सल्फेट इज कंप्लीटली हाइड्रेटेड या फिर सराउंडेड बाय अ गिवन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे वो इस पर डिपेंड करता है भाई, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट विल बी सराउंडिंग डिपेंड्स ऑन द सॉल्ट, तो इसमें पांच वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं तो इस वजह से यहां पर इतनी एनर्जी रिलीज होती है और इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी। क्या है एंथैल्पी का नाम, एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एलोट्रॉप्स किसको बोला जाता है, एलोट्रॉप्स उन केमिकल सब्सटेंसेस को बोला जाता है जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, इनको बोला जाता है एलोट्रॉप्स। तो जब भी हम किसी एलोट्रॉपिक सब्सटेंस को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उस टाइम पर जो एनर्जी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं डायमंड और ग्रेफाइट। तो अगर आप डायमंड को ग्रेफाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो एक एलोट्रॉप को दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट कर दिया तो यहां पर जो एनर्जी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेशन लिख लो, इट इज द अमाउंट ऑफ enthalpy change या energy change which take place when one mole of the amount of energy change when one mole of an allotropic form is converted into, एक मोल किसी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म का जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अनदर एलोट्रॉपिक फॉर्म, तो उसको बोलते हैं हम एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एग्जांपल जो है वो हम लिख लेते हैं, कार्बन ग्रेफाइट से जब कार्बन डायमंड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर 1.9 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। तो डेल्टा एच एलोट्रॉप, ए डबल एल ओ टी, इसका मतलब है एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन या डेल्टा एच ट्रांसफॉर्मेशन, टी आर ए एन एस एफ ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू प्लस 1.9 किलो जूल पर मोल, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हो जाती है हमारी टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। एक एंथैल्पी और रह गई, इसको भी नोट कर लेना बच्चों, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसी सब्सटेंस के अंदर उस टाइम पर जो एनर्जी चेंज होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इट इज द एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस
is added with hydrogen. ठीक है, तो एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. तो मैं वैसा ही एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जहाँ पर हाइड्रोजन गैस को मैं ऐड कर रहा हूँ इथीन गैस में. क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी इसको बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन, डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन. तो हाइड्रोजन जब भी ऐड होती है किसी सब्सटेंस के एक मोल के साथ, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन. तो ये हो गए डिफरेंट टाइप की एंथैल्पीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. इन सभी एंथैल्पीज के टाइप्स के अंदर एक चीज कॉमन थी बच्चों, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल जब हम बना रहे हैं, जब हम जला रहे हैं, जब हम तोड़ रहे हैं, जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, जब हम उसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, जब हम उसके एक मोल एलोट्रॉपिक फॉर्म को दूसरे मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो एनर्जी चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज. तो अब हम ओवरव्यू जो है वो एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. हमने पढ़ा प्रोसेस जो है वो दो टाइप के होते हैं. पहला टाइप है फिजिकल प्रोसेस और दूसरा टाइप है केमिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है? फ्यूजन आ जाता है, वेपोराइजेशन आ जाता है, ठीक है, सबलिमेशन आ जाता है. तो यहाँ पर जो भी एनर्जी चेंज इन्वॉल्व रहता है, डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच सबलिमेशन, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस. इसके बाद आते हैं हम केमिकल प्रोसेस, दैट इज केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा सबसे पहले तो होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है, अगर कोई भी केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो उस टाइम पर जो एंथैल्पी चेंज होगा रिएक्शन में, जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो इसके अलग अलग बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन. तो अलग अलग टाइप के एंथैल्पीज थे जो हमने डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे जिसमें क्लासिफाई किया. तो ये टाइप्स ऑफ एंथैल्पी होती हैं, मतलब एनर्जी चेंजेस विच टेक प्लेस व्हेन अ केमिकल प्रोसेस और एनी फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज बीइंग कैरिड आउट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. और इन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो एनर्जी चेंज हमें देखने को मिल रहा है, दैट एनर्जी चेंज या जो एंथैल्पी चेंज है, इट मे बी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. पॉजिटिव जब भी आती है डेल्टा एच तो वहाँ पर हमेशा हीट एब्जॉर्ब होती है, नेगेटिव जब भी आती है तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, तो हम एब्जॉर्ब करने वाली रिएक्शंस भी बहुत सारी यूज करते हैं डेली लाइफ में, और रिलीज करने वाली रिएक्शंस भी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी यूज करते हैं. तो ये हो जाता है टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंथैल्पी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रोसेस एंड द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस. अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम एक लॉ पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड हेस लॉ, और इस हेस लॉ के ऊपर बेस्ड फिर हम न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रैक्टिस करेंगे. तो पिछले लेक्चर में हमने टाइप ऑफ एंथैल्पी पढ़ा था, इस लेक्चर के अंदर भी हमने टाइप्स ऑफ एंथैल्पी जो है वो डिस्कस किया. अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम इन सभी एंथैल्पीज का यूज करके एक लॉ स्टडी करेंगे, दैट इज हेस लॉ, और उस लॉ को यूज करके फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें इन सभी एंथैल्पीज की जो है वो यूज किया जाता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू.